अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने 17 हैशटैग का काम भी कर लिया होगा और 16 हैशटैग में जो मैंने आपको एक्टिविटी कंप्यूटर पेपर में बनाने के लिए दी थी आपने वो भी कर ली होगी। चलें आते हैं आज हैशटैग 18 पे, एक्सरसाइज 8LC पेज 14। ठीक है, वही हमने जो काम किया था वो हम देख लेते हैं कि आपने किया है कि नहीं, मुझे उम्मीद है आपने किया होगा। और एक्सरसाइज डी आज हम उसकी कॉपी वर्क है, अगेन हम एक्सरसाइज डी कॉपी में करेंगे। डू प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज डी, जो हम काम करेंगे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे, जस्ट कॉपी वर्क होगा आज का ये काम बस। ठीक है, और सेकंड जा रहा है ब्रिंग कलर पाकिस्तान मैप, तो आपको सिर्फ घर पे पाकिस्तान जो है पाकिस्तान मैप कलर्ड वाला रखना है लेके। ठीक है, आपको कलर्ड पेपर पाकिस्तान मैप का मंगा के रख लेना है। हम इसके नेक्स्ट हैशटैग में जो काम होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी तो हम एक्सरसाइज डी कॉपी वर्क करेंगे और एक्सरसाइज डी की प्रैक्टिस आप कीजिएगा और कलर पेपर मंगवा के पाकिस्तान मैप का रख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव आवर वर्क। अब देखें, ये आपकी एक्सरसाइज डी है। एक्सरसाइज डी में आपका क्या है, आस्क एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट द नंबर्ड पिक्चर्स इन। अब हम आ जाते हैं उस पिक्चर पे जिसके जरिए हम अपना काम ये कॉपी में देखिए। ये आपका कल पिक्चर बनी हुई है। अब देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब ये काम हम कॉपी में कैसे करेंगे, अब आप देख लो कि जैसे काइट पर्पल है, ठीक है, कैप ब्लू है, बॉल येलो में है, सूट एंटी का ब्लू है, ठीक है, इस तरीके से डोर आपका देखें ब्लू कलर में है, मैट आपका ऑरेंज में है, 8 नंबर 8। इस तरीके से हमें ये काम कॉपी में करना है, कैसे आइए मैं आपको बताती हूँ। अब आप देखें, आप क्या करेंगे, जो हमने एक्सरसाइज सी काम किया था, ठीक है, इसके बराबर में पेज पे आप मार्जिन ड्रॉ कर, मार्जिन तो आपकी ड्रॉ होती है, आपने डेट मेंशन करना है, यूनिट 1 करना है, ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज डी जस्ट लिख लेंगे और फिर आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज दिस, व्हाट कलर इज इट। क्वेश्चन 1 यानी पॉइंट 1 का हमने क्वेश्चन लिखा, पॉइंट 1 लाइक देखो ये पॉइंट 1 है, ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, व्हाट इज दिस का, इट इज अ काइट, इट इज पर्पल। आप क्या करेंगे जब क्वेश्चन लिखेंगे तो इसी के बराबर में जैसे मैंने स्मॉल सा ड्रॉ किया है आप काइट बनाएंगे और इसमें पर्पल कलर करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, हाउस पे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन हुआ व्हाट इज दिस, व्हाट कलर इज इट, तो आप लिखेंगे इट इज अ हाउस, इट्स वाइट, ठीक है, और इसके बाद आप छोटा सा जैसे हाउस मैंने ड्रॉ किया है आप वैसा ही ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे बिकॉज वाइट है, तो हमारे पास हम इसको वाइट ही रहने देंगे। अब आ जाते हैं पॉइंट 3 पे, हमारा पॉइंट 3 क्या है, पॉइंट 3 हमारा ट्री है। ठीक है, देखें तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा व्हाट इज दिस, व्हाट कलर इज इट, और सामने स्मॉल सा ट्री ड्रॉ किया, आप लिखेंगे इट इज अ ट्री, इट्स ग्रीन, तो आप यहाँ पे ट्री में ग्रीन कलर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल अच्छा सा काम करना है आपने। फिर हम पॉइंट 4 की तरफ देखेंगे, पॉइंट 4 हमारा है कैप, तो हम लिखेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट कलर इज इट, तो आप लिखो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लिखना है, आंसर लिखिएगा एक लाइन छोड़ के, मतलब मैंने तो क्या, आप अपनी लाइंस में कीजिएगा, इट इज अ कैप, इट्स ब्लू, ठीक है, और यहाँ पे कैप बना के ब्लू कलर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं पॉइंट 5 पे, पॉइंट 5 पे देखो ये क्या है, अब हम देखते हैं। देखिए पॉइंट 5 आपका बॉल आ रहा है, तो हमने यहाँ लिखा व्हाट कलर इज, व्हाट इज दिस, व्हाट कलर इज इट, बॉल बनाया और हमने लिखा इट इज अ बॉल, इट्स येलो, तो इट मीन्स आप इसमें येलो कलर करेंगे। आई वॉन्ट योर वर्ड वेरी नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब पॉइंट 6 पे आ जाते हैं, पॉइंट 6 पे देखो बुक बनी हुई है, तो हम यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा व्हाट इज दिस, व्हाट कलर इज इट, कॉपी वर्क है आपका, ओके, इट इज अ बुक, इट इज रेड, बुक बनाएंगे रेड कलर करेंगे। और 7 में आपका देखो डोर आ रहा है, तो आपने लिखा What is this? What color is it? तो आपने लिखा It is a door. It's blue. आपने यहाँ पे door बनाया और इसमें blue color किया। अब the last picture हमारी 8 है और 8 हमारा क्या है? ये mat. तो हमने लिखा What is this? What color is it? It is a mat. It's orange. ठीक है, आपने यहाँ mat बनाएंगे और orange color करेंगे। बड़ी बड़ी pictures मत बनाइएगा, small picture कीजिएगा ताकि आपको और मुझे समझ आ सके। ये काम बिल्कुल neat and clean कीजिएगा। Total 1 till 8 question है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही काम था, आपने ये काम कॉपी में बिल्कुल अच्छे से करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।